मजे करते हैं, छोटे आज ब्लॉग नहीं करते। फिर एक अच्छा न्यूज आ गया जिसके सुनते ही वो वाला न्यूज थोड़ा सा हम खुश भी हो गए। तो मैंने बोला ये आप लोग के साथ भी डेफिनेटली शेयर किया जाए। और गाइस यू कांट इमेजिन, अभी जो स्ट्रीट फूड है ना वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है, मन में आ रहा है, मन में लड्डू फुट्टा, स्पेशली मोमोज और उसको क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारा जो फेवरेट है? हाँ, एग पफ, एग पफ, एग पफ और मोमोज। सो गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल, आज है संडे और सुबह सुबह आप देख सकते हो मेरे प्लेट में आ गया है मटर घुगनी, उसके साथ पूरी, क्योंकि ये मेरे को एक्चुअली बहुत दिनों से खाने के लिए मन कर रहा था, बट सौम्या बना के नहीं दे रही थी, बोल रही थी ऑयल है ऑयल है ऑयल है, बट आज मैं बहुत जिद्दी करके बोला हूँ कि फाइनली देखो इसमें भी ऑयल निकाल के सब दिया है भगवान, ओके ठीक है चलेगा, बट फिर भी देखो मटर घुगनी के साथ पूरी, और सौम्या पूरा किचन में बिजी क्योंकि एक एक पूरी मेरे को गर्म करके दे रही है। चलो मम्मी सा ये ब्रेकफास्ट जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप लोग के साथ बात करते हैं। सुबह से मतलब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करूँ पर इतना सारा काम था, जैसे कि आज मुझे हेयर वॉश करना था जैसे भी करके, फिर ये मैं भी हेयर वॉश किया हूँ जैसे भी करके। हाँ बहुत तो लंबे बाल है ना आपके। मैं तो सोच रही हूँ और भी शॉर्ट करवा लूँ, बहुत ही लाइक मुसीबत का काम है, दो बार बाल दो फिर उसको सुखाओ, तो बहुत ज्यादा काम था दिन भर कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर अभी एक बहुत अच्छी रीजन थी जिस चलते मैंने बोला नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि नहीं कल ही सुबह ब्लॉग जो है स्टार्ट करूंगी, आज और संडे है फिर से कल मंडे है, पिंकू का भी ऑफिस शुरू हो जाएगा, चलो बैठ के थोड़ा मजे करते हैं, छोड़ दो आज ब्लॉग नहीं करते। फिर एक अच्छा न्यूज आ गया जिसके सुनते ही वो वाला न्यूज थोड़ा सा हम खुश भी हो गए। तो मैंने बोला ये आप लोग के साथ भी डेफिनेटली शेयर किया जाए, तो आप बोलोगे आप बोलो। सो गाइस फाइनली मतलब आप लोग को भी मतलब पहले तो आप लोग को सबको थैंक्स जो जो हमको सपोर्ट किए हैं, आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड के मतलब आप लोगों को पता है जो भी है, तो उनको एक्चुअली एक अपडेट है कि मतलब अभी फाइनली हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग मिल गया, जो वैदेही हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हम लोग को एच डी यू बेड मिल गया है फाइनली, तो हम लोग उनको मूव भी कर दिए हैं, तो फाइनली वो थोड़ा रिकवरी कर गए, पहले वो रिकवरी भी कर गए, बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन लेवल था अभी थोड़ा बेटर कंडीशन में है, तो 4 लीटर ऑक्सीजन में 95 के आसपास उनका ऑक्सीजन लेवल भी है, तो वो रिकवरी कर चुके हैं, तो उनको अभी भी एटलीस्ट 5-6 दिन हॉस्पिटल में विद ऑक्सीजन चाहिए, तो बेटर टू हम लोग उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मूव कर दिए, क्योंकि वहां पर कुछ पैसा भी खर्चा नहीं होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वैदेही हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन बैंगलोर, तो जो भी हो तो भगवान अच्छे के लिए करते हैं, तो हम लोग को फाइनली आपका प्रेयर आपका जो मतलब आप लोग का ब्लेसिंग सब कुछ मिला के, तो आप उनको एक अच्छे वाला बेड भी मिल गया, तो हम लोग यही अपडेट करने वाला था, कुछ कुछ लोग अभी भी कुछ कुछ पैसा भेज रहे थे, तो उनको प्लीज और रिक्वेस्ट है अभी मत भेजो आप लोग, अगर जरूरत होगा देन हम लोग डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे, बट अभी कुछ जरूरत नहीं है, जितना भी मतलब आप लोग भेजो हो बहुत 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 बड़ा वाला थैंक्स आपको सबको, जो जो मतलब कंट्रीब्यूट किए हो, जो जो यहाँ पर हेल्प किए हो, डेफिनेटली। और क्या बोलना है, और कुछ नहीं, तो भगवान की कृपा से वो रिकवरी हो चुका है ऑलमोस्ट, आप सोच रहे हो कि रिकवरी हो चुका है, और उनके जो बेटे हैं वो भी थोड़ा बेटर है, फीवर में कुछ नहीं आ रहा है हम लोगों को, एंड ऑल्सो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर कुछ बंदे हैं, जैसे कि मतलब कोई बंदे हैं बहुत हेल्प किए हैं इस चीज में, मतलब मैं तो छोड़ो मैं तो जितना भी किया हूँ मेरे से 100 गुना ज्यादा वो हेल्प किए हैं, रवि और नीचे में विजेता भी है, तो वो लोग बहुत हेल्प किए हैं, शायद आप वीडियो भी वो देख रहे होंगे, बट नहीं सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मतलब मेहनत किए हैं इस काम में, तो थैंक्स टू देम ऑल्सो। तो वही, और अभी चाय पे, और ये ना ये एक डब्बे में लेस पूरा बड़ा वाला पैकेट, वो ऑलमोस्ट 80 या 100 रुपीस का होता है, वो वाला पैकेट भरा हुआ था, ठीक है, और ये इन महात्मा को जब उनको फीवर आया उस दिन, उसके अगले दिन सुबह ये डब्बा लेके भाग गए, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए थोड़ा रुको, क्यों मैं डब्बा ले रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऑर्डर कर लूंगी, वही मैं ले लेता हूँ, और ये ले भी गए थे तब मैं और खा भी नहीं पाती, फिर जब पता चला कि लाइक बहुत नेगेटिव, तो फिर बस देखो इतना ही चिप्स बचा है जो कि मैं अभी खा रही हूँ, बेचारी ये ऐसा कौन खाता है, पूरा डब्बा भरा हुआ था लिटरली। तो गाइस हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, फिर आपको किस बात होता है। और गाइस आज डिनर में थोड़ा सा कुछ अलग है, हटके, मतलब हमारे लिए तो स्पेशल है, जैसे कि आजकल कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, मतलब स्ट्रीट फूड स्पेशली,
वैसे आज बन रहा है मसाला पूरी, तो ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं बनेगा, बट सुबह मैंने ये जो येलो पीस का सब्जी होता है ना वो बनाया था, तो जो पूरी के साथ खाने के लिए, तो था ऑल ऑफ सडन, तो मुझे लगा कि चलो मसाला पूरी इसी से ही बनता है तो बना लेते हैं। तो हम लोग भी आप लोग को थोड़ा ऊपर ऊपर से रेसिपी भी डाल देंगे। हाँ एक्चुअली प्लान होता तो पहले से मैं रेसिपी शेयर करती, बट वैसा कुछ प्लान नहीं था। ये मटर की सब्जी जैसे बनाना है आप लोग हाँ, बना देना, मतलब थोड़ा इसका मतलब ऐसे ये टाइप का रखना है ना, मतलब किसा थोड़ा हाँ टैंगी रहता है थोड़ा सा, और थोड़ा ये ज्यादा मतलब ठीक नहीं रहता है, थोड़ा हाँ थोड़ा पानी पानी रहता है। पानी पानी रहता हाँ है यस। और एक्चुअली बॉइल्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ मतलब वैसे तो हमारे उड़ीसा और मतलब कोलकाता साइड वहां पे प्रॉपर चाट या पानी पूरी बहुत मतलब फेमस है, बट यहाँ पे मसाला पूरी भी मुझे जो कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है वो, मतलब गरम गरम जो रहता हाँ, है। हाँ, वो ओडिशा पे वहां पे नहीं मिलता है मसाला पूरी। मैंने यहाँ पे आने के बाद ही मसाला पूरी पहली बार टेस्ट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस यू कांट इमेजिन, अभी जो स्ट्रीट फूड है ना वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है, मन में आ रहा है, मन में लड्डू फुट्टा। स्पेशली मोमोज, और उसको क्या बोलते हैं क्या तुम्हारा जो फेवरेट है? हाँ, एक पप, एक पप, एक पप और एक मोमो। पप और मोमो। मतलब मैं पिंकू को बोलता हूँ, मतलब कहीं से मिले। और ये मसाला पूरी भी हम लोग खाते हैं बीच बीच में, ये हाँ, हमारा इतना ज्यादा नहीं है जितना एक पप। ये जो गौर से देखो ये लड़की को, जितना एक पप खाती है ना कोई भी नहीं खाती है एक पप, और वो भी दैट टू बी मयूरा बेकरी। अच्छा चलो इसमें थोड़ा थोड़ा आप देख लो क्या क्या हम लोग डालने वाले हैं। ऑनियन, ऑनियन चॉप्ड, ऑनियन चॉप्ड, ऑनियन थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके, और साथ में भी हम लोग रखेंगे थोड़ा बहुत, जिसको हाँ, जो जरूरत होगा वो लेगा। और ये है मीठी जो मतलब दही, हाँ, कर्ड, मतलब दही के साथ थोड़ा सा शुगर ऐड हाँ, हुआ है और नमक है, भी ऐड हुआ है। हाँ वो कब से मतलब मैंने मिक्स करके रख लिया था ताकि शुगर जो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इसको ऐड करने से ना मतलब थोड़ा सा मतलब खट्टा मीठा चटपटा सा पूरा टेस्ट जो आता है। और बस धनिया पत्ता, काटा हुआ धनिया और पत्ता, और मिर्ची नहीं, यस ग्रीन चिली। ये हम लोग नहीं बनाएगा, ये हम लोग खरीद के लाए हैं, ठीक है। हाँ, और वो एक सूजी वाला मिलता है ना, बट वो उतना अच्छा नहीं लगता है। ये जो होता है आटे का होता है, हाँ ये आई थिंक थोड़ा सा सूजी रहता है शायद इसमें, बट आटे का होता है, ये ज्यादा टेस्टी रहता है। तो कभी भी लाने जाना तो ये लाना, इससे जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मस्त बस ऊपर से क्रश करके इसको डाल रही हूँ, देख लो रेसिपी आप लोग घर में इजीली बना सकते हो आप लोग। उसके बाद ये वाला स्पेशल इंग्रेडिएंट जो ये होममेड रोस्टेड जीरा पाउडर, जीरा पाउडर है, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा टेस्ट है मतलब आता है इससे, और ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद फिर उसके बाद ये स्पेशल वाला जो होता है ना, एक्चुअली हमारा वो घर का जो सेव था ना वो खत्म हो गया, बट ये भी बहुत अच्छा लगता ये है। भी बहुत अच्छा स्ट्रीट साइड पे ये वाला जो पतला वाला छोटा, हाँ ये मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। यस ये बहुत अच्छा लगता है। और बस ये थोड़ा सा जो है धनिया की चटनी, थोड़ा थोड़ा बस बस बस, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा दही डाल दो और बस हो गया। नींबू नहीं डाले हो ना? नींबू डाल लिया मैंने ऑलरेडी। किसमें? वो जो अच्छा अच्छा सब्जी में, ओके ओके। तो चलो गाइस हम लोग का हो गया ये वाला टेस्टी मसाला पूरी, और वो उसको भी ले चलो अगर जरूरत होगा तो हम लोग खाएं। और अभी वही डिनर मतलब कर रहे हैं टीवी देखते हुए, कुछ एक मूवी है पिंकी और संदीप फेरार परिणीति चोपड़ा का, क्या करें ऐसा ही जो टाइम है उसको स्पेंड करना पड़ रहा है, वरना कभी कभी इतना बोर लगता है, इतना इरिटेट और फील होता है, बट क्या करें सिचुएशन ही ऐसा है। आई नो सभी के साथ ऐसा ही हो रहा होगा। और आजकल ना जितने भी कपड़ा होता है रात को सोने से पहले मैं मोस्टली अंदर ला के डाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है रात को ऑल ऑफ सडन बारिश होता है, सुबह उठती हूँ तो पूरा जो कपड़ा है वो मेरा गीला होता है, तो दो तीन बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, तो फिर इसीलिए मतलब अंदर डाल के सोती हूँ। और ये वाला स्टैंड के चलते ना मुझे बहुत हेल्प मिल जाते हैं, और आप में से बहुत लोग मुझे स्टैंड के बारे में भी पूछते हो, तो इसका जो लिंक है ना वो मैं अमेज़न से नीचे डाल दूंगी, और एक्चुअली ये स्टैंड बहुत हैंडी और यूज़फुल भी है।
गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह सुबह उठ के किचन पे आ गई हूँ। योगा वगैरह ख़त्म हो गया, गर्म पानी पीना हो गया और साथ ही मैं अभी बाकी सब जो काम ना, मतलब पहले ये होता था कि अभी तक मतलब 9 बजे तक आंटी का जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता, फिर मैं आराम से अपनी जो खाना बना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती थी, झाड़ू पोछा तो वो सब कुछ मतलब हो जाता था। अभी वो थोड़ा करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा है, क्या करें बट करना ही पड़ेगा, सिचुएशन ही ऐसी है। तो वही ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ ये सब काम चल ही रहा है और कल मतलब कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो रात को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सो जाती हूँ, पर कल पिंकू लेट नाइट तक बैठ के यहाँ पे काम कर रहे थे तो सब कुछ फैला हुआ है, तो वही सब अभी करूँगी। फिर आज मूव भी करना है, अभी तो मैं मतलब ऐसा कर रही हूँ कि ऑल्टरनेटिव डे पे मूव कर रही हूँ, आज करो तो कल छोड़ के मतलब परसों ऐसा ही कर रही हूँ, रोज़ करना मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो वैसे ही चल रहा है। और आप लोग बोलो, आप सभी कैसे क्या मैनेज कर रहे हो? You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. झाड़ू पोछा हो गया सब कुछ और अभी थोड़ा सा, एक मिनट लाइट ऑन कर लूँ, नहाने जाऊंगी। और आज सोच रही हूँ कुछ नहीं, वैसा ही लंच पे जो है रोटी और एक कुछ फ्राई भज्जी टाइप बना लूंगी, और आज राइस खाने का मन भी नहीं है और मतलब मुझे बहुत थकान हो रहा है, मतलब 2-3 अभी सब्जी नहीं बना सकती किचन पे जाके, तो वही। तो चलिए साथ साथ ये जो व्लॉग है गाइस यहीं पे एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है क्या करना, आप लोगों को लाइक कर देना, साथ अपने चैनल पे नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आज पिंकू नहीं है, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, घर पर रहना बोलने के लिए, तो क्योंकि वो मतलब अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिजी है तो मैं बोल दे रही हूँ। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।